बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मौजूद नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल स्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम DHA वैली इस्लामाबाद को डिस्कस करेंगे। बुनियादी तौर पर इस वक्त DHA वैली के जो अलॉटीज़ हैं उनकी परेशानी क्या है, क्या बैलेट हासिल करना परेशानी है, क्या पोजेशन हासिल करना परेशानी है, या क्या कीमतें ना बढ़ना DHA वैली के प्लॉट्स की ये परेशानी है। बैलेट फाइल्स की इस वक्त कीमतें बढ़ने की बजाय कम क्यों होती जा रही हैं, इसकी क्या वजह है। नॉन बैलेट फाइल्स के मुस्तकबिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में नॉन बैलेट फाइल होल्डर्स का क्या मुस्तकबिल होगा और इस बारे में DHA इस्लामाबाद की हिस्ट्री क्या कहती है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मौजूद नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन बैलेट फाइल होल्डर्स का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने देखा पिछले 6 बैलेट के दौरान DHA ने पहले 2 बैलेट के बाद अपनी पॉलिसी को चेंज किया। शुरू के जो 2 बैलेट हुए उसके अंदर DHA की ये पॉलिसी थी कि सबसे पहले उन अलॉटीज़ को अकोमोडेट किया जाएगा जिनकी फाइल्स थ्रू आउट 0 सरचार्ज के साथ हैं या जिनका कम से कम सरचार्ज है। इसके बाद हुआ क्या कि मार्केट के अंदर जो थ्रू आउट 0 सरचार्ज वाली फाइल्स थी वो महंगी बिकना शुरू हो गई और जो सरचार्जेस वाली फाइल्स थी वो कम रेट पर चली गई। इसका रेट जो है आपके सामने था आज से 1.5 साल पहले तकरीबन या 2 साल पहले, तकरीबन 40-45 लाख रुपए के ऊपर 8 मरला की थ्रू आउट 0 फाइल चली गई थी और सरचार्ज वाली तकरीबन 40 लाख रुपए पे थी। 8 मरला और 5 मरला थ्रू आउट 0 तकरीबन 35 लाख रुपए की थी और जो सरचार्ज वाली फाइल थी वो तकरीबन 30-32 लाख रुपए के अंदर मार्केट में दस्तियाब थी। तीसरे बैलेट के अंदर DHA वैली मैनेजमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी। पॉलिसी के अंदर जो तब्दील आई, जो शिफ्ट आया वो ये था कि DHA ने ओपन और थ्रू आउट 0 फाइल्स वाली जो पॉलिसी थी वो ख़त्म कर दी। DHA ने कहा कि अब हम उन अलॉटीज़ को अकोमोडेट करेंगे कि जिनके पास जो फर्स्ट अलॉटी है, जिनके पास 2008 से फाइलें मौजूद हैं, बाद में अगर उन्होंने ओपन करवा ली थी और ओपन करवाने के बाद वापस अगर अपने नाम के ऊपर करवा ली थी तो उनको भी हम फर्स्ट अलॉटी कंसिडर करेंगे। तीसरे बैलेट के अंदर ये पॉलिसी आ गई। चौथे बैलेट और पांचवें बैलेट के अंदर भी यही पॉलिसी रही और अभी छठे बैलेट के अंदर भी यही पॉलिसी रही, लेकिन चौथे पाँचवें और छठे बैलेट के अंदर एक प्रायोरिटी दे दी गई। DHA ने कहा कि हम उन अलॉटीज़ को प्रायोरिटी देंगे जो विडोज़ हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं या जो लीगल हायर्स हैं। तो DHA का अगर हम पिछले 6 बैलेट के हिसाब से देखें तो DHA की हिस्ट्री के अंदर ये पॉलिसी के अंदर शिफ्ट आता रहा है। कोई शुरू से अगर एक पॉलिसी DHA अडॉप्ट कर लेता और आज तक उसी पॉलिसी के ऊपर चलता रहता तो इस वक्त ज़्यादातर जो बर्डन है वो क्लियर हो चुका होता और मार्केट के अंदर इतनी अनस्टेबिलिटी क्रिएट ना होती। अब नॉन बैलेट फाइल होल्डर्स के बारे में मैं ये भी यहाँ पर मैं डिस्कस करता चलूँ कि नॉन बैलेट फाइल होल्डर्स इस वक्त DHA वैली के जितने भी हैं वो 35% हैं, वो 36% हैं या वो 80% हैं, जो भी बकौल DHA इस वक्त 34-35% अलॉटीज रह गए हैं, बाकी अलॉटीज को हमने अलॉटमेंट कर दी है। DHA फेज़ 1 को अगर हम देखें तो DHA फेज़ 1 के बाद DHA फेज़ 1 की एक्सटेंशन लॉन्च की गई जिसको DHA डिलीवर ना कर सका। फिर उनके जो सर्टिफिकेट्स थे उनको नॉन बैलेट सर्टिफिकेट मार्केट में काफ़ी अरसा घूमते रहे, बाद में उनको DHA फेज़ 4 के अंदर बैलेट दिया गया। इसी तरह DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन के सर्टिफिकेट्स अभी भी मार्केट के अंदर ओपन सर्टिफिकेट्स फिर रहे हैं और DHA इनको टाइम टू टाइम DHA फेज़ 6 के अंदर बैलेट करता है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी ऐसे सर्टिफिकेट्स इस वक्त भी मार्केट में मौजूद हैं जो ओपन सर्टिफिकेट्स हैं। इसी तरह अब बर्डन कम होने की बजाय
ओपन सर्टिफिकेट्स या ओपन फाइल्स का अभी बर्डन डीएचए वैली प्रोजेक्ट के बाद मजीद बढ़ चुका है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 34-35% अगर फाइल्स डीएचए वैली की भी और आ जाती हैं तो डीएचए के ऊपर ये ओपन फाइल्स का जो बर्डन है या नॉन वैलिड फाइल्स का बर्डन है ये बढ़ जाएगा। तो मेरा भी ख्याल कि डीएचए के पास अगर लैंड होती तो डीएचए अलॉटीज को प्लॉट अलॉट ना करता, या तो वहाँ पर लैंड के इश्यूज हैं या फिर डीएचए कोई और सोच रहा है इन अलॉटीज को, या तो किसी चीज़ के अंदर मर्जिंग करेगा, या जिस तरह डीएचए ने रिसेंटली एक मर्जिंग पॉलिसी अनाउंस की कि आप चार फाइलों तक आप मर्ज करवा सकते हैं और कमर्शियल उठा सकते हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है डीएचए कोई अपार्टमेंट्स या कोई कमर्शियल शॉप्स की पॉलिसी दे दे कि हम कमर्शियल शॉप्स आपको बना कर देते हैं डीएचए के अंदर और आप अपनी फाइल्स को मर्ज करवाएं, तो इस तरह की कोई पॉलिसी डीएचए आने वाले वक्त में दे सकता है। लेकिन मेरी ज़ाती असेसमेंट के मुताबिक अगर आप प्लॉट्स में रहना चाहते हैं तो आपको प्लॉट्स में ही रहना चाहिए। कमर्शियल शॉप्स और अपार्टमेंट्स की मर्जिंग के अंदर जाना मेरे ख्याल में इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा जितना आप प्लॉट्स के अंदर अपने आप को शिफ्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ दिलवा सकते हैं। वैलिड फाइल्स की भी इस वक्त कीमतें कम हो रही हैं। इस वक्त नॉन वैलिड फाइल्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त 5 मरला की नॉन वैलिड ट्रांसफ़र फाइल जो है वो तकरीबन 11-11.5 लाख रुपए की मार्केट में बिकती है, और अगर ओपन फाइल की बात करें तो वो 12-12.5 लाख रुपए की बिकती है, जबकि 8 मरला फाइल जो है वो तकरीबन ट्रांसफ़र फाइल जो है वो 13-13.5 लाख रुपए तक बिकती है, और जो ओपन फाइल है वो 15-15.5 या 16 लाख रुपए तक वो भी मार्केट के अंदर सेल हो जाती है। जबकि बैलेट फाइल की अगर हम बात करें तो बैलेट फाइल पांचवें बैलेट की इस वक्त फाइल्स तकरीबन 20 से 21 लाख रुपए के अंदर मार्केट में इसकी सेल परचेज होती है। चौथे बैलेट की अगर हम बात करें तो उसके भी रेट के अंदर कोई 2-3 लाख रुपए का फर्क है। 5 मरले की इस वक्त पहले बैलेट से लेकर 5वें बैलेट तक जो रेट है वो तकरीबन 20 लाख रुपए से रेट शुरू होता है और 34-35 लाख रुपए तक 5 मरले का रेट जाता है। फर्स्ट बैलेट की फाइल आपको तकरीबन 34-35 लाख रुपए के अंदर मिलती है जिसके अंदर पोजेशन लेटर मौजूद होता है। अगर हम 8 मरला की फाइल की बात करें तो 8 मरला की बैलेट फाइल जो है वो आपको 28-29 लाख रुपए से लेकर 44-45 या 50 लाख रुपए तक भी मिलती है। इसके अंदर जो 48-50 लाख रुपए की फाइल आपको मिलती है उसके अंदर जो प्रोविजनल मैप है आपके प्लॉट का वो भी अवेलेबल होता है, और इस तरह के वो मुकम्मल तौर पर आपका एक किस्म का रेडी टू पोजेशन प्लॉट होता है, लेकिन अभी तक डीएचए ने वहाँ पर पोजेशन अनाउंस नहीं किया। लेकिन जो आपको 28-29 लाख रुपये में प्लॉट मिलता है 8 मरले का, उसके अंदर आपने 10.25 लाख रुपये जो है वो इंस्टॉलमेंट्स की मद में अपने एस्केलेशन चार्जेस जमा करवाने हैं। बुनियादी तौर पर जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कहा कि डीएचए वैली इस्लामाबाद के अलॉटीज की इस वक्त मेन परेशानी क्या है, जो नॉन बैलेट फाइल होल्डर्स हैं उनकी बुनियादी परेशानी है कि उनको बैलेट मिल जाए, जो बैलेट फाइल होल्डर्स हैं उनकी परेशानी ये है कि उनको पोजेशन मिल जाए, जो पोजेशन वाले हैं उनकी परेशानी ये है कि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कब स्टार्ट होगी। डीएचए वैली के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अगर आप घर भी बनाना चाहते हैं, डीएचए आपको पोजेशन भी दे देता है, आप फिर भी फिल वक्त हाल मौजूद की बात कर रहा हूँ, आज के दिन में आप वहाँ पर घर नहीं बना सकते। आज आपको अगर डीएचए वैली मैनेजमेंट सेक्टर ब्लू बेल के अंदर अगर पोजेशन दे देता है तो कौन सा वो पहला शख्स होगा जो वहाँ पर जाकर घर बनाएगा? कोई भी नहीं बनाएगा। क्यों? कि उसके चारों तरफ अभी तक कोई आबादी नहीं है। आज आप घर बनाएंगे तो आपकी फैमिली वहां पर रह नहीं सकती। ठीक है, सेक्टर ओलियंडर जहां पर डीएचए मैनेजमेंट ने पोजेशन दी है वहां पर डीएचए होम्स इस वक्त मौजूद हैं, अगर वहां पर आप घर भी बना लें तो आप रहने की पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन वहां पर पानी मौजूद नहीं है, वहां पर गैस मौजूद नहीं है। तो इस वक्त मसाइल काफी हैं डीएचए वैली के अंदर। ऐसे नहीं है कि डीएचए वैली की मैनेजमेंट पोजेशन नहीं दे रही,
पोजेशन ना देने के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, और ये कहानी ये है कि इस इनके अंदर डीएचए ने अभी तक वहां पर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहा। डीएचए अभी तक डीएचए के पास वहां पर फैसिलिटीज इस वक्त तक डीएचए नहीं दे सका। अगर फैसिलिटीज दे सका होता तो डीएचए कब का पोजेशन दे चुका होता। इसलिए कोशिश करें अपने आप को नॉन बैलेट फाइल्स से निकाल कर बैलेट फाइल्स की तरफ स्विच करवाएं। आज की डेट में अगर आप नॉन बैलेट फाइल अपने 5 मरला की बेचते हैं और बैलेट फाइल परचेज करते हैं तो आपको तकरीबन छठे बैलेट की फाइल जो है वो 16-17 लाख रुपए के अंदर मार्केट में मिलेगी। इस वक्त छठे बैलेट की अभी तक फाइलें मार्केट में आई नहीं है, लेकिन जिस वक्त भी आएंगी उनका रेट यही होगा। 16-17 लाख रुपए में आप बैलेट फाइल लें और 6-7 लाख रुपए उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, तो आपको ये है कि आज आपकी फाइल अगर 10-11 लाख रुपए की बिकती है ट्रांसफर फाइल अगर है तो, और उसको आप 16-17 लाख रुपए में कन्वर्ट करें, 5-6 लाख रुपए आपको जेब से डालना पड़ेगा, लेकिन आपका प्लॉट जो है वो नॉन बैलेट से बैलेट हो जाएगा। एक जहाज, मैं अक्सर नॉन बैलेट फाइलों को वो जहाज कहता हूं जिनको कोई एयरपोर्ट नहीं मिल रहा लैंड करने के लिए। अपनी फाइल्स को प्लॉट्स के अंदर कन्वर्ट करें। इस वक्त डिफरेंस बहुत कम है, आने वाले दिनों में यह डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिस वक्त डीएचए पोजेशन दे देगा और जिस वक्त कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस वक्त आप हाथ मलते रह जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग बीएचए वैली इस्लामाबाद, रिगार्डिंग बहरिया टाउन, रिगार्डिंग बीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद, रिगार्डिंग बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर रेट पर बेहतर से बेहतर चीज़ देकर दें और आपकी जो भी क्वेश्चन क्यूरी हो उसको बर वक्त रिस्पॉन्ड करें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।